लोहाघाट में बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के परिसर में 3 अवैध दुकान बनाने का मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में हो रहे अतिक्रमण की सूचना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम के निर्देश पर लोहाघाट तहसीलदार ने मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल परिसर में हो रहे अतिक्रमण को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन खामोशी क्यों बनाए हुए था, जिसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों, अस्पताल प्रशासन और कार्यदायी संस्था की मिलीभगत नजर आ रही है। ये लैंड जो थी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्शन के लिए दी गई थी, कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी आ रही है, यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। साहब के निर्देश के बाद एसडीएम साहब को बताया कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हटाने के लिए आई थी, अवैध निर्माण हटा दिया जाए और इनके द्वारा से हम हटाया भी जा रहा है। देवभूमि न्यूज़ चंपावत।